हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके साथ वीडियो में हाजिर है। जैसे कि हमें पता है, आज हमारे पास 28 दिसंबर है, थर्सडे का दिन है, और रात को मैं ये 12:47 पे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि कोलगेट पामोलिव पे वीडियो बनाएं, तो कोलगेट पामोलिव का फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने हाजिर है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस भी आ चुका होगा। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखकर उसके मुताबिक अपने राय का इजहार कीजिए, और उसके मुताबिक ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या सेल करें। सबसे पहले बात की जाए कि अगर हम जितनी भी बातें इसमें करते हैं, ये सारी एक एनालिसिस के तौर पे करते हैं। इसका बाय सेल कॉल से कोई लेना देना नहीं होता। जो मुझे कंपनीज अच्छी लगती हैं उसका मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मुझे जिनमें कुछ खामी खामी नज़र आ रही होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, जिस तरह के हमें पता है कि एक मल्टी नेशनल कंपनी है, अगर हम यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ लार्जली मेनली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स ऑफ डिटर्जेंट, पर्सनल केयर एंड हेल्थ एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स को देखें तो हमारे पास ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, बोनस, ट्राइस्टर, ब्राइट, कोलगेट, पावर मैक्स, इस तरह की पामोलिव, सॉफ्ट मैक्स डिटर्जेंट, और ये इस तरह से कोई 3-4 चीज़ें हमारे घर में यूज़ हो रही होती हैं हमेशा, और आप लोगों के घर में भी हमेशा यूज़ हो रही होती होंगी। तो इससे इस बात की वैल्यू का पता लगता है कि ये कंपनी हमारे पास डेली यूज़ में है। अगर इसकी इक्विटी प्रोफाइल की बात कीजिए, 10% फ्री फ्लोट है, विच मीन्स के ये एक टाइटली हेल्ड शेयर है। सिर्फ 10% ऑफ द टोटल शेयर्स आवाम में, पब्लिक में फ्री फ्लोट फ्लोट कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त पर जारी है। फिस्कल ईयर की बात की है, जून में इसका ईयर ख़त्म होता है। अगर हम मजीद इसकी डिटेल्स में बात करें तो हमारे पास, अगर ईपीएस की बात करें हम, 2022 की ईपीएस 24 थी, लेकिन 2023 में डबल ईपीएस के साथ ये शेयर आया है, और पिछले साल इससे भी ज़्यादा ईपीएस थी। तो ईपीएस इस शेयर की इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ओवरऑल ये शेयर हम देखते हैं ये कैसा है। इसके बाद हम देखें तो ये पे आउट भी रेगुलरली देता है, हर साल 3 दफ़ा हम यहाँ पे देखते हैं, इसने 3 दफ़ा पे आउट दिया है। 2023 में, 2022 में 2 दफ़ा पे आउट दिया, इसी तरह 2 या 3 दफ़ा देता ही रहता है साल में पे आउट। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी करंट प्राइस की, तो अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 1569 रुपीज़, और अगर इसकी बीटा वैल्यू की बात करें, 0.84 इसकी बीटा वैल्यू है, जो कि बस ठीक है। मतलब कि मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो इस पर ज़्यादा पड़ता है, इतना इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसका मार्केट से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसको इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है मार्केट से। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो हम इसी सेल्स की ग्रोथ दे ही सकते हैं, देख ही सकते हैं कि हमारी सेल्स कितनी लार्जली इंक्रीज हो रही है। 31 बिलियन से उठ के तकरीबन ट्रिपल हो गई है 2018 से 2023 में। अभी तक अभी इसको अभी इसकी फिजिकल ईयर वगैरह तो पूरा नहीं हुआ, अभी इसका फिजिकल ईयर जारी है, और इसकी 91.46 बिलियन सेल्स अभी तक हो चुकी हैं। अगर इसके हम डिविडेंड पर शेयर देखें तो हमारे पास देखने में हमें मिलता है कि हमारे पास हमेशा ये डिविडेंड बढ़ा के ही देती है। मतलब कि 35, 36 इस साल इसने कम दिया, फिर 49, फिर 52 और फिर 65 रुपीज़ पर शेयर। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड यील्ड भी जिस तरह कंपनी ग्रो हो रही है मजीद और इसकी सेल्स बढ़ रही है, इस तरह इसकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ती जा रही है। इस कंपनी में मोस्टली आपको फ़ायदा हो सकता है डिविडेंड यील्ड से और कैपिटल गेन से। तो और अगर हम चीज़ें इसमें देखें तो हमारे पास करंट रेशियो, हम देख सकते हैं कि करंट रेशियो इसकी कम होती जा रही है, लेकिन इन जैसी ब्लू चिप कंपनीज में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनीज ग्लोबली इतने स्टेबल होती हैं कि इनकी ये छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी करंट रेशियो अगर हम देखें तो 1.86 की करंट रेशियो इज़ अ गुड करंट रेशियो। मतलब इसके पास डेब्ट्स कम है और इसके पास इक्विटी, मतलब कि इसके पास इसके एसेट्स ज़्यादा हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू है, लेकिन कंपेरेटिवली टू 2022-24 रुपीज़ की प्राइस टू 24 रुपीज़ की प्राइस टू 24 की प्राइस टू बुक रेशियो थी, जिसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा ओवरसोल्ड था। लेकिन अब इसकी ओवरसोल्ड हमारे पास कम हो गया, क्योंकि मार्केट नीचे आई है। तो अब हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो ये 1569 में खड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी वैल्यू बाइंग हो सकती है। अगर इसके लॉट साइज़ की बात करें, इसका लॉट साइज 20 का है, जिसका मतलब आपको 20 × 1569 तकरीबन 30,000 से ऊपर 35,000 तक के इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, फिर इसको आप कुछ 20 शेयर्स खरीदने के काबिल होंगे। अगर इसके पीयर्स में बात करें तो हमारे पीयर्स में आईसीआई, ईपीसीएल, इस तरह के पीयर्स आ रहे हैं, फंड होल्डिंग्स, रिसर्च। अगर इंसाइडर ट्रांजेक्शन की बात करें, लास्ट इंसाइडर ट्रांजेक्शन हमारे पास सिर्फ 23 फरवरी में बाई हुई थी 500 शेयर्स की, उसके बाद इसमें कोई हलचल इतनी खास देखने को नहीं मिली।
इसके अलावा ओवरऑल इसकी सेल्स की बात करें तो इसमें बैलेंस सेल्स में आपको पहले दिखा चुका हूँ, सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो हमारे पास टोटल एसेट्स इसके 47.45 बिलियन है और टोटल लाइबिलिटीज इसकी 23.13 बिलियन है, जिसका मतलब इसके पास डबल से थोड़े से ज़्यादा है इसके पास एसेट्स मौजूद है। इसका मतलब इस पर कर्जा भी आ जाए तो ये तकरीबन सारे अपनी लाइबिलिटीज उतार के फिर भी इसके पास 23 से 24 बिलियन एसेट्स बच जाएंगे। इसके बाद इसकी हमने करंट रेशो ऑलरेडी देख ली है, करंट रेशो 1 से ज़्यादा है, विच मीन्स के गुड पॉइंट है ये कंपनी के हक में। और मेरे हिसाब से कंपनी की एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा वैल्यू है पाकिस्तान की मार्केट में भी और बाकी मार्केट में भी। तो अगर इसके स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कम से कम इसे 10 से 20 साल के लिए इसको होल्ड में रखूँगा, इसके डिविडेंड्स लूँगा और तब तब तक लूँगा जब तक ये मुझे फ्री ना पड़ जाए ये स्टॉक। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। काफ़ी भाइयों ने अपने स्टॉक्स के बारे में लिखा, इन स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाए, इंशाल्लाह वो आ रही हैं। आजकल थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अगर आप लोग देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्टॉक्स के बारे में बताएं कि कौन से स्टॉक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ, इंटरलूप इंशाल्लाह कमिंग सून वीडियो है, तो इंटरलूप के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जाके अभी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक टेक्निकल एनालिसिस भी कोलगेट का लॉन्च हो गया होगा, तो आप वो भी देख ले जाके। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।